हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं 20,000 mAh की एक पावर बैंक। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक DC to DC मॉड्यूल बक की, जो ये मेरे हाथ पे है। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। एक साइड इसका आउटपुट है और दूसरे साइड इनपुट है। हमारे ये साइड वाला आउटपुट है और इस साइड वाला इनपुट है, और इसके लिए हम एक ले लेंगे USB हब। ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी कहीं से भी। तो फ्रेंड्स इससे हम बैटरी को भी चार्ज करेंगे और अपने मोबाइल को भी। ये काफ़ी सिंपल है इसे बनाना। और ये है मेरे हाथ में एक ऑन ऑफ स्विच बटन है, और ये दो है मेरे पास 99 वोल्ट की बैटरीज। तो ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों इसको बनाना। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना होगा शुरू से अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। और इन दो बैटरीज को हमें आपस में अच्छी तरीके से चिपका देंगे, और बैटरी चिपकाने के बाद हम ठीक बैटरी के ऊपर में ही इस बक मॉड्यूल को चिपका देंगे। वैसे आप चाहे तो इसके लिए आप किसी डब्बे में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल यही लगा इसीलिए मैं इसे बना देता हूँ। और इस वाले बैटरी के ऊपर हम USB हब को भी चिपका देंगे, और हमें इस तरह चिपका देना है। और फिर ये हमारा पावर बैंक, एक मिनी पावर बैंक है हमारा। तो इनकी वायर हम कनेक्शन करने से पहले इस पर हम ऑन ऑफ वाली जो स्विच है उसे भी यहाँ पे लगा देते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, आप भी इसे बना सकते हैं अपने घरों पे। दोनों बैटरीज की रेड वायर को आपस में कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वाले को, दोनों को आपस में। इसके बाद हमें ब्लैक वाले को इनपुट के माइनस में हमें सोल्ड करना है, यानी नेगेटिव में, और रेड वाले वायर को हमें इस ऑन ऑफ स्विच में हमें फर्स्ट वाले में कनेक्ट करना है। तो हमें इस ऑन ऑफ वाले बटन पे अच्छी तरीके से सोल्ड करना है इस रेड वाले वायर को। और ये हमारे सोल्ड होने के बाद ये हमारा नेगेटिव है ब्लैक वायर है, और ये पॉजिटिव वाला है। तो हमें एक और तार ले लेना है, और हमें इस ऑन ऑफ वाले बीच वाले पिन पे सोल्ड करके इसके पॉजिटिव वाले हमें इस बक मॉड्यूल में लगाना है। तो इसका पॉजिटिव वाले इस IC पे है, तो मैं यहीं पे सोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे इजी लगा। ये सोल्ड हो गए। सोल्ड होने के बाद तो हमारा ये पावर बैंक कुछ हद तक बन के तैयार है। ये हमने बक मॉड्यूल में तो सारे कनेक्शन कर दिए हैं, लेकिन अब हमें इसके USB वाले में कनेक्शन करना है। तो पहले मैं इस तार को इस पे चिपका देता हूँ, और फिर हमें दो वायर ले लेना है, और दोनों वायर को USB के प्लस और माइनस में हमें सॉल्ड करना है। तो हम एक तार को USB के प्लस वाले में सॉल्ड करेंगे, ये हमारा सोल्ड हो गया, और दूसरे वाले वायर को नेगेटिव में सोल्ड करना है। उसके बाद हमें इसके आउटपुट पे एक प्लस, और सेम टू सेम जैसे आपने USB में प्लस को लगाए वही प्लस को आपको इस मॉड्यूल पे लगाना है, और माइनस को भी माइनस पे। ये हमारे लगने के बाद बन के तैयार है, इसे हम ऑन करेंगे, और ये हमारा ऑन हो गया। ये हमारा पावर बैंक तो बन गया, अब इसका रिजल्ट का वक्त है। तो एक USB केबल लेके हमें अपने मोबाइल से इजीली कनेक्ट करके देखना है कि ये चार्ज हो रही है या नहीं। तो मैंने ये लगा दिया, और ये देखिए दोस्तों चार्ज लेना चालू हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे एरो आ रहा है ये। मैं इसे बंद करके देखता हूँ, और यहाँ पे एरो चला गया, फिर से ऑन करता हूँ और ये वापस आ गई। तो दोस्तों ये हमारा चार्जिंग जो है ले तो रही है, लेकिन अब हम इसे चेक करेंगे। तो अब हम इसे दूसरे वाले USB में लगा के देखते हैं। ये हमने लगा दिया, यहाँ पे भी चार्ज हो रही है। तो दोस्तों ये तो ठीक है, और इसे हम ऑन ऑफ करके भी देख लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, अब देख सकते हैं ये हमारा चार्ज अभी तक ले रहा है। और हम इसे अब फ्रेंड्स इसकी चार्जिंग चेक करेंगे, क्या ये चार्ज हो रही है या नहीं बैटरी।
तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही ये चार्जिंग केबल लगाई है, ये एलईडी इंडिकेट हो रही है, यानी बैटरी चार्ज हो रहा है हमारा, लेकिन ये हमारा जो यूएसबी है भाई, ये उल्टा लग गया है। तो मैं इसे सीधा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर हमें बताएं, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।